हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। साथ ही साथ आप सभी को धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिससे मुझे भी बल मिल रहा है कि निश्चित तौर पर जो यह अवेयरनेस सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसे आप देख रहे हैं और अन्य लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट भेजिए, और अगर किसी डिजीज़ स्पेसिफिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को आपके लिए पेश कर सकूँ। बहरहाल, आज का टॉपिक है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हो सकता है बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मित्रों ने ये डायग्नोसिस सुनी हो, सकता ना सुनी हो। हाइपोकॉन्ड्रियासिस ये एक ओल्ड डायग्नोसिस या ओल्ड टर्म है, जिसे आजकल जो DSM-5 क्राइटेरिया चल रहा है, जो करंट क्राइटेरिया चल रहा है डिजीज डायग्नोसिस का, उसमें हम लोग सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय तक इसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस के नाम से जाना जाता रहा है, इसलिए आपके सहूलियत के लिए मैं इसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस के नाम से बताऊंगा। अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता क्या है यह बताने से पहले मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है उसकी मात्रा समाज में बढ़ती जा रही है, इसके मरीज निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ इंटरनेट में जो मेडिकल साइंस से संबंधित जानकारी है, चाहे वो सही जानकारी है चाहे वो गलत जानकारी है, लेकिन एबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इससे क्या हो रहा है? सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन बढ़ता जा रहा है। तो कई तो लोग हमारे पास में अब डायग्नोसिस बना के ही आते हैं। ये बात अलग है कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि साहब ये डायग्नोसिस हमने कैसे बनाए हैं। उस फला वीडियो में ये लक्षण बताए थे, उसमें ये डायग्नोसिस थी, तो हमारा भी यही होगा। हो सकता है कि वो सही वीडियो भी देख कर आ रहे हों, पर बहुतों में मैंने देखा है कि वह किसी वीडियो को फॉलो करते हैं और इवन ट्रीटमेंट जो बताया गया रहता है उसको भी आँख बंद करके फॉलो कर लेते हैं, विच वन शुड नॉट डू। देखिए, आपका काम नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, जानकारी लेना एक अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। उससे ज़्यादा अधिक अगर आप जानना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में ही जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर स्पेशियलिटी। हाँ, अवेयर होना, समझदार होना बेहतर है, और समझदारी यह कहती है कि हम यह समझें कि यह लक्षण हैं तो हमें किस विशेषज्ञ के पास पहुंचना है। समझदारी आपसे कभी यह नहीं कहती कि आप इंजीनियर हैं तो आप ज्वेलर का काम करें। समझदारी आपसे कहती है कि आप सही जगह का चुनाव करें और वहां जाएं। बहरहाल, आज का टॉपिक हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में होता क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन कैसे होते हैं? देखिए, हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ हमारे लिए नहीं है। हेल्थ है तो सब कुछ है, और आज जो आप मुझे देख रहे हैं इसके पीछे का कारण भी है दैट यू आर वरीड और यू वांट टू बी अवेयर रिगार्डिंग योर हेल्थ, फिजिकल और मेंटल। हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन में ये बहुत ज़्यादा होता है, हद 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 से ज़्यादा। मतलब उदाहरण के तौर पर लीजिए, जैसे मेरे पास में कॉमनली हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन कैसे आते हैं आप बहुत आसानी से समझेंगे। मेरे पास पेशेंट आया, कहता है सर मुझे यहाँ छाती पे दर्द होता है। अच्छा, आपके छाती में दर्द होता है तो आपने क्या किया? वो आपसे कहेगा कि सर देखिए, वो आपको 10-15-20 कार्डियोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन दिखा देगा, जिसमें से एक कार्डियोलॉजिस्ट को वो दो दो तीन तीन बार दिखा चुका है। अमूमन कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास अगर आप चेस्ट पेन लेके जाएंगे तो बहुत बेसिक है, वो आपको फिजिकली एग्जामिन करेगा और मे बी पॉसिबल एक बेसिक ECG करेगा। हो सकता है केवल फिजिकल एग्जामिनेशन और ECG के बेसिस पर वो आपको बता दे कि नहीं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ये जो चेस्ट पेन हो रहा है इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है।
आप और मैं क्या करेंगे यदि हमें ऐसा चेस्ट पेन होता है और हमारा डॉक्टर हमें कह देता है कि नहीं कोई बड़ा कारण नहीं आ रहा है, आपका ईसीजी ठीक आ रहा है, हम इस चेस्ट पेन को भूल जाएंगे। हो सकता है कि दैट इज़ ड्यू टू मसल पेन, या जो भी डॉक्टर उसको समझेगा, हमें दवा देगा, हम उसे खाएंगे और भूल जाएंगे कि हमें चेस्ट पेन हुआ भी था, ठीक है। लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियाक ऐसा नहीं करेगा। हाइपोकॉन्ड्रियाक को जब कह दिया जाएगा कि यू आर ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह घर जाएगा और वह सोचता रहेगा कि कहीं डॉक्टर सही से डायग्नोस नहीं कर पाया मुझे, ऐसा तो नहीं है, क्या उसे मुझे इको नहीं करना था, क्या एंजियोग्राफी करके और श्योर नहीं हुआ जा सकता था। वह फिर से डॉक्टर को विजिट करेगा, हो सकता है उसी डॉक्टर को विजिट करेगा, या वह उस डॉक्टर को फेल करार कर देगा और किसी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट को या किसी दूसरे महानगर में जाके बहुत बड़े नामी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएगा। वो क्या करेगा, वो भी देखेगा कि ईसीजी हुआ है, ये हुआ है, हो सकता है वो इको करवा ले, हो सकता है बहुत इंसिस्ट करने पे एंजियोग्राफी करवा ले, रिजल्ट आएगा। मोस्टली जो 99% केसेस में रिजल्ट आते हैं, इन हाइपोकॉन्ड्रियाक 100% केसेस में रिजल्ट आते हैं, इज एवरीथिंग इज फाइन, देयर इज नो हार्ट इशू। अब हाइपोकॉन्ड्रियाक क्या करेगा, क्या वो चुप हो जाएगा, मान जाएगा, शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा, नहीं बैठते। वो उस डॉक्टर पे भी शक करने लगता है, उसे लगता है शायद मे बी पॉसिबल जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उसमें कोई एरर आया हो, और वो और तीसरी जगह जाके अपना इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। हो सकता है वो आके कहे कि साहब और भी कोई बड़े अपेक्स सेंटर में मुझे भेज दिया जाए, ताकि ये वाकई पता चल सके कि मुझे कार्डियक डिसऑर्डर है। मतलब कहीं ना कहीं उसने मान लिया है कि उसे कोई कार्डियक डिसऑर्डर है, वो MI हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट की बात वो नहीं मानेगा, वह शक कार्डियोलॉजिस्ट पे करेगा, वह वापस जाएगा, इंटरनेट में चेक करेगा, वो देखेगा कि सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, चेहरे में पफिनेस या स्वेलिंग से आने लगती है, पैर में स्वेलिंग से आने लगती है, और वो ऐसा महसूस भी करने लगेगा कि उसको चलने में दिक्कत हो रही है, दौड़ने में सांस फूल रही है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को पढ़ रहा है, निरंतर उसके मस्तिष्क में केवल और केवल उसका चेस्ट पेन चल रहा है। अब आप कहेंगे सर क्या एंजाइटी से पेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, एंजाइटी से पेन हो सकता है, एक्सेसिव एंजाइटी से आदमी बेहोश हो सकता है, एक्सेसिव एंजाइटी से आदमी डेफनेस हो सकता है, डम हो सकता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू एक्सेसिव एंजाइटी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी से फिजिकल सिम्टम आते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रियाक ऐसे होते हैं। अब ये मैंने आपको कार्डियक के बाद में बताया, मैंने आपको बताया कि वो प्रिस्क्रिप्शन का पूरा पोथा लेके चलेंगे, यह केवल एक कार्डियक ओरिजिन की बात मैंने की। Hypochondriasis is not restricted to their belief regarding cardiac problem. वो headache को brain cancer से जोड़ के देख सकते हैं। आपको और मुझको headache होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, मन लगता है रात को अच्छी नींद नहीं आई, आज बहुत ज़्यादा tiring रहा, आज मेरा lunch skip हो गया, या और भी कोई कि बहुत तनाव में रहा हूँ। ये जो हाइपोकॉन्ड्रियाक होते हैं, ये छोटे मोटे कारण नहीं सोचते, ये बहुत सीरियस इलनेस, उनको लगता है साहब ब्रेन में कुछ तो गलत हो गया है, ये कहीं ये स्ट्रोक का साइन तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे अंदर कोई कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। देन दे विल गो एंड रीड अबाउट द रीजंस ऑफ हेडेक। अब आप अगर हेडेक का कारण ढूंढने जाएंगे इंटरनेट पे, तो आपको मामूली से लेकर बहुत गंभीर बीमारी मिल जाएगी। अब मामूली चीजें ये नहीं देखेंगे, हमेशा गंभीर देखेंगे। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो दे विल आस्क फॉर द CT और MRI स्कैन। मेरे पास ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जो कि हेडेक की कंप्लेंट करते थे और डिजीनेस चक्कर की कंप्लेंट करते थे। जब मैंने इंटरव्यू किया, मैंने देखा कि एंजाइटी लेवल बहुत हाई है, वर्क प्रेशर बहुत हाई है, और फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, बच्चों के साथ अच्छा तालमेल नहीं है, पत्नी के साथ अच्छा तालमेल नहीं है, एंजाइटी हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ हैविंग हेडेक, डिजीनेस। बट जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट, आज उनको कोई हेडेक नहीं है, कोई डिजीनेस नहीं है, बट डिस्पाइट दिस उनको ये शंका बनी रहती है कि कहीं मेरी डायग्नोसिस मिस तो नहीं हो रही है, लक्षण कुछ नहीं है, इज ओके, बट डिस्पाइट दैट इवन आफ्टर MRI स्कैन हैड बीन डन बाई समवन एल्स, किसी और ने करके भेज दिया था, ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया, MRI वॉज नॉर्मल, नाउ ही इज नॉर्मल,
बट डिस्पाइट दैट इज आस्किंग मी सर और कोई बड़ी ब्रेन के टेस्ट बता दीजिए जो मैं कर लूँ तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाए. तो ये होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक. इनको रीएश्योरेंस नहीं दिया जा सकता. जब भी हम रीएश्योर करेंगे तो इन्हें लगेगा कि डॉक्टर फेल है, ये नहीं पकड़ पा रहा है, या तो कोई ऐसी नई बीमारी आ गई है जिसको पकड़ने के लिए कोई टेक्निक ही नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, इसलिए मेडिकल साइंस इसको नहीं पकड़ पा रहा है, या फिर वो नगरों में, महानगरों में और बहुत सारी जगहों में घूमेंगे कि कोई तो शायद ऐसा होगा डॉक्टर जो बोल दे कि नहीं साहब ये वही बीमारी है जो आप सोच रहे हैं, ये जो हेडेक है इट इज़ ड्यू टू ब्रेन कैंसर ओनली. लेकिन साहब ऐसा कोई डॉक्टर आपको बोल नहीं सकता क्योंकि आपका हेडेक बहुत सिंपली वो समझ पा रहा है कि इट इज़ ड्यू टू एंजाइटी. लेकिन मेरा वो मरीज अभी भी मुझे इंसिस्ट करता है कि सर मुझे और किसी अपेक्स सेंटर में भेज दीजिए और कोई सबसे बड़ी टेस्ट होती हो, इवन अगर मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ. तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक तरह से एक शक की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी अपने शरीर के बेसिक सेंसेशंस को एबनॉर्मली इंटरप्रेट करता है. अब हेल्थ में 19-20 के अंतर को भी वह नॉर्मल वेरिएशन नहीं मानता. अब किसी को अगर दो दिन कॉन्स्टिपेशन आ गया महीने में तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको कोलोरेक्टल कैंसर हो गया है. लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट जरूर यह सोच सकता है कि साहब लगता है मुझे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टमक का कैंसर हो, कोलोरेक्टल कैंसर हो, या कोई बड़ी कोलोन की या एलिमेंट्री कैनाल की बीमारी हो गई है. तो ऐसे मरीजों को हम लोग एंजियोलिटिक देते हैं और ये बहुत हद तक रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक इनका प्रॉपर काउंसलिंग सेशन नहीं होता है तो इनमें से बहुत सारे मरीज रिकरेंस हो करते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन इनका ये जो बिलीफ होता है कि मुझे कोई सीरियस इलनेस है, यह ब्रेक नहीं होता. तो ठीक होने के बाद में भी ऐसे मरीजों में रिकरेंस के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं. सबसे बेस्ट ये होता है कि ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट दिया जाए, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ प्रॉपर इनकी काउंसलिंग सेशन होनी चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होनी चाहिए, जिससे बहुत अधिक चांसेज होते हैं कि ये पूर्णतः ठीक हो जाए. तो मित्रों ये आज का वीडियो था हाइपोकॉन्ड्रियासिस पे. आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपकी जानकारी बढ़ी होगी. यदि इस प्रकार के अन्य वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं इस प्रकार के अन्य वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ. नमस्कार.